हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू अनबॉक्स डेली। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो की, और इसको कहा जा रहा है कि ये बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 20,000 रुपीज़, एंड ऑल्सो इसे 2021 का बेस्ट स्मार्टफोन भी बोला जा रहा है। तो वैसे तो ये मार्च 2021 में आया था और ये अब अराउंड 10 मंथ्स ओल्ड है, बट इसकी सेल्स थ्रूआउट द ईयर काफ़ी अच्छी रही है एंड अभी भी ये काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट तो यही है कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले में आता है एंड इट कम्स विद 6.7 इंच डिस्प्ले फुल HD, और उसके अलावा ये एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स विद MIUI 12 के साथ आता है। प्लस दिस कम्स विद स्नैपड्रैगन 732G विच इज ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड ऑल्सो इट कम्स विद UFS 2.2 स्टोरेज। तो आइए थोड़े से इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है विच इज द 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। प्लस ही ऑल्सो गेट अ 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, स्टीरियो स्पीकर, 3.5 mm जैक और टाइप सी पोर्ट एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। आई थिंक दैट इज रियली गुड दैट अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हैज बीन प्रोवाइडेड एज इट डज द जॉब प्रीटी वेल। उसके अलावा बैटरी इसमें 5020 mAh की आपको मिल जाती है। ऑल्सो इट कम्स विद फास्ट चार्जिंग 33 वॉट्स आउट ऑफ द बॉक्स। इट ऑल्सो कम्स विद FM रेडियो, इन्फ्रारेड पोर्ट, ब्लूटूथ 5.1। ऑल्सो इट इज रेटेड एज IP53 विच मीन्स इट कम्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एज वेल एज स्प्लैशेस। ऑल्सो इट हैज कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन ऑन बोथ फ्रंट एज वेल एज बैक। अपार्ट फ्रॉम दिस द फोन वेज 193 grams which means it's not too much on the heavier side and also it comes with dual sim slots both as nano sims। तो आइए अब इसके box contents भी देख लेते हैं। तो इसमें जो आपको charger मिलता है that is a 33 watt fast charger and it charges the phone to 60% in 30 minutes। I think this is really good that in a budget smartphone एक fast charger आपको out of the box मिल रहा है and that too with a C-type port। अगर मैं इसके battery backup की बात करूं तो इसमें आपको around 5000 mAh की battery मिल जाती है जो कि पहले ज़्यादा अच्छा battery backup नहीं दिया करती थी, but with time and with सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये काफ़ी इंप्रूव हो गई है और ये इजीली मेरे को अराउंड 6 to 7 hours का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती थी। अगर मैं 120 हर्ट्ज भी इसमें ऑन करूँ तो भी ये मुझे अराउंड 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता था, जो कि पहले ऐसा नहीं था एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड विद टाइम एंड विद सॉफ्टवेयर अपडेट्स। MIUI भी अब काफ़ी स्टेबल एंड्रॉयड स्किन हो गया है एंड आई थिंक इट डज द जॉब प्रीटी वेल। इसके अलावा बॉक्स में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम द सी टाइप केबल। तो आइए आप फोन इटसेल्फ को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्वाइट मिनिमलिस्टिक और काफ़ी सिंपलिस्टिक सा डिज़ाइन है, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप अपने MIUI को स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है विद दीज राउंड आइकन्स एज वेल एज अ गूगल पिक्सल थीम। मैं उसका लिंक ऊपर राइट हैंड टॉप कॉर्नर में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। एक और फीचर जो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगता है वो ये कि आप राइट हैंड से अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर और लेफ्ट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गूगल फीड भी आप इसमें इनेबल कर सकते हैं, ये भी मैंने उसी वीडियो में कवर किया था, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर मैं होम सेटिंग्स की बात करूं तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे थीम्स एज वेल एज कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा विच आई थिंक इज़ गुड। जैसा कि सैमसंग अपने स्किन में देता है एंड्रॉयड की, वैसा ही आपको MIUI के केस में भी मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ रियली गुड एंड रियली इंट्यूटिव और आपको काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेटिव विजेट्स एज वेल एज जो ऐप स्पेसिफिक विजेट्स हैं वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फ्लूइड है, 120 हर्ट्ज़ काफ़ी अच्छा रहता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसमें हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया गया है वो लॉक हो जाता है 120 हर्ट्ज़ पे, अनलाइक डिफरेंट स्मार्टफोन्स जिसमें कि ये वेरिएबल रहता है विच मीन इट चेंजेस फ्रॉम 1 टू 120 हर्ट्ज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये 120 हर्ट्ज़ पे लॉक्ड रहता है। तो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड एंड रियली गुड फॉर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट सिंस इसमें आपको हमेशा ही फास्ट स्क्रोलिंग एज वेल एज हाई रिफ्रेश मिलता है। तो आइए बाकी भी और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा आप अभी देख सकते हैं मैंने इसमें जेस्चर्स ऑन कर रखे हैं विच इज़ अ नेटिव एंड्रॉयड 11 फीचर।
आप उसको भी कर सकते हैं और नीचे बटन्स हट जाएंगे। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स को भी आप देख सकते हैं, तो जैसा MIUI में आपको मिलता है वैसा ही इसमें आपको मिलेगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा पहले बनाया था, तो ये अभी फ़ोन उतना अपडेटेड नहीं है, इसकी प्रोग्रेसिवली काफ़ी सारी MIUI की अपडेट्स आ गई हैं एंड इट हैज़ बीन गुड इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स एज वेल, कि ये प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव होता गया है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड थिंग विच दिस फ़ोन हैज़ शोन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो पीछे इसका जो कैमरा सेटअप है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इसमें पीछे ये मैट फील मिल जाती है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ, एंड आई थिंक इट्स रियली गुड टू फील एज वेल एज टच करने में भी काफ़ी प्रीमियम ये लगता है। ऑल्सो 3.5mm हेडफोन जैक के साथ इसमें आपको कुछ भी ऐसी कमी महसूस नहीं होगी जो कि आपको अदर स्मार्टफोन्स में इन द 20,000 के बजट में मिलती है। एक चीज़ जो मेरे को इसमें थोड़ी सी मिस लगी वो ये कि ये 5G नहीं है एंड इट इज़ स्टिल अ 4G स्मार्टफोन, बट अगर आप इस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इट विल डू यू अ रियली गुड जॉब। अनदर अमेजिंग फीचर जो मुझे इस फ़ोन का लगता है कि इट कम्स विद 2 स्टीरियो स्पीकर्स, ऊपर और नीचे दोनों आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एंड आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट एज वेल एज लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑन लाउड स्पीकर। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यूट्यूब वीडियोज़ देखने के टाइम पर भी आपको दोनों ही स्पीकर से आवाज़ आती है। इनिशियली थोड़ा सा रिव्यू ये आया था कि ऊपर और नीचे के साउंड वॉल्यूम्स अलग हैं, बट आई थिंक विद सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये काफ़ी इंप्रूव हो गई है। एक चीज़ जो मुझे इसकी काफ़ी कॉन लगती है फ्रॉम अ फीचर परस्पेक्टिव वो ये कि इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ही नहीं और AI बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, और इनिशियली काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स ही आते थे कि मेरा कॉल करने के टाइम पे फ़ोन ऑफ नहीं होता है, उसकी स्क्रीन ऑफ नहीं होती है, और एक्सीडेंटल डिसकनेक्ट एज वेल एज म्यूट और ये सारे चीज़ें लोग फेस कर रहे थे, बट आई थिंक विद सॉफ्टवेयर अपडेट्स दैट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड। और इसका जो सेंसिटिविटी है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की या फिर प्रॉक्सिमिटी करने की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है और काफ़ी अच्छी हो गई है विद टाइम। बट येस, कभी कभी ये फीचर या ये बग मैं कह सकता हूँ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करता है और काफ़ी बार ये आ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते हैं तो समटाइम्स ओकेजनली ऐसा हो जाएगा। ऑल्सो अनदर फीचर विच आई रियली लाइक कि इसमें एमोलेड स्क्रीन होने का पूरा फ़ायदा उठाता है एंड यू कैन ऑलवेज सेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, विच आई थिंक इज़ रियली कूल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लॉक स्क्रीन पे भी आप इसे सेट कर सकते हैं, ये फीचर सैमसंग के फ़ोन्स में काफ़ी पहले से आता है एंड सिंस सैमसंग के तो एमोलेड डिस्प्ले होते ही हैं जो कि काफ़ी सालों से आते ही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड एंड इट इज़ वेरी एविडेंट ऑन सैमसंग फ़ोन्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट किया है तो ये पूरी स्क्रीन ऑफ हो जाता है एंड इट डज़ नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ बैटरी एज वेल, सिंस ये एमोलेड स्क्रीन है तो सिर्फ वही वाली LED स्क्रीन की लिट रहती हैं उस टाइम पे, बाकी पूरी स्क्रीन ऑफ रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी कस्टमाइज़ करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। बाकी सम मोर फीचर्स विच मेक्स दिस फोन कम्प्लीटली स्टैंड आउट इज दैट इट स्टिल कम्स विद एन एक्सपेंडेबल स्टोरेज और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। UFS 2.2 की इसमें आपको स्टोरेज तो मिलती ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कम्स विद एन डेडिकेटेड FM रेडियो एज वेल, तो जो भी FM लिसनर्स हैं उनको भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल आई थिंक दैट इन अ बजट पैकेज इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ गुड फीचर्स एंड अ क्वाइट अमेजिंग पैकेज। तो आइए इसके कुछ कैमरा सैम्पल्स भी देख लेते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी सारे मोड्स में टेस्ट किया, तो ये मैक्रो मोड एज वेल एज पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के लिए पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें डेप्थ मोड और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है, तो वो भी काफ़ी सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के केस में भी पोर्ट्रेट इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंड इस केस में फ्लावर काफ़ी अच्छे से डिस्टिंग्विश हो पा रहा है, प्रोग्रेसिव ब्लर भी आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा, ओवरऑल द फोटो इज ऑल्सो पंची। नाइट मोड भी इसका काफ़ी अच्छा है, जैसा आप देख सकते हैं फोटो ऑन द राइट इज़ क्वाइट डार्क एज वेल एज लेफ्ट में जहाँ पे नाइट मोड यूज़ किया गया है वो काफ़ी एक्यूरेट एज वेल एज ब्राइट आई है। तो आइए इसका N22 टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो मैंने इस पर N22 रन किया तो इसका स्कोर काफ़ी अच्छा आया एंड ऑल्सो क्वाइट बजट फ़ोन से तो काफ़ी इसका ज़्यादा ही स्कोर आया। अगर मैं इसी प्राइस रेंज के कुछ और स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंड इसका स्कोर भी आपको वैसा ही देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका प्रोसेसर भी काफ़ी सही है, आपको इसमें ऑक्टाकोर 732G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है, विच आई थिंक इज़ रियली गुड एज कम्पेयर टू एनी MediaTek और एनी अदर बजट प्रोसेसर। सो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फ़ोन। एंड ऑल्सो अगर मैं आप देखेंगे तो मेरी इस केस में टेस्टिंग के टाइम बैटरी थोड़ी कम थी, तब मेरा स्कोर अराउंड 333,000 के अराउंड आया। अगर इसमें बैटरी और अच्छी होती तो मे बी इट वुड हैव परफॉर्म्ड ऑन अ हायर साइड। अगर मैं इसकी बाकी रिव्यूअर्स के स्कोर की कंपेयर करूँ तो इट वॉज ऑलवेज लेस देन 3 लाख, तो आई थिंक इट डिड रियली वेल। और ऐसा कुछ मुझे हीटिंग एज वेल एज और कोई इशू मुझे इसमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। कंपेरेटिवली बहुत बार इसमें मैंने N22 रन
ऑन किया, बट तब भी ये फ़ोन थोड़ा सा ही वार्म हुआ और फास्ट चार्जिंग के टाइम पे भी ये सच ऐसा कोई वार्म नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ऑल्सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप रेडमी नोट 10 प्रो लेने वाले हैं और अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानना है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। You.